नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैन कंप्यूटर में। और आज हम अपने वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में एक न्यू वीडियो मैप्स में अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हमारा लिस्ट मेन्यू इन HTML। जी हाँ, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप HTML के अंदर में लिस्ट मेन्यू कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको HTML को बहुत ही अच्छे से समझना है तो आपको MS Word की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मीन्स जो काम आप MS Word में करते हो वही सेम काम हमें HTML में करना पड़ता है बाय कोडिंग। तो उसमें भी आप लोगों ने बुलेट्स वगैरह नंबरिंग लगाई होगी, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिस्ट मेनू क्या है, कितने तरह के हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं एक्स्ट्रा, और एक नॉर्मल इमेज को आप एक लिस्ट मेन्यू में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को हम लोग। कुछ मैं आपको छोटा सा इसमें सीधे सीधे प्रैक्टिकली कराता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि थोड़ी तो हम लोग नेट से भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका H1 लाइन सेंटर जैन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ एस्टिमेट डाला है मुझे अपने को दिखाना। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट की सारी चीज़ें देखिए, यूएल लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा यूएल। यूएल का मतलब होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। इसके लिए आप लगाना है आपको यहाँ पे LI। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो जिसमें मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, HTML फाइल LI यूज़ करेंगे अपने से, और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। काफ़ी इतना मेरे पास CSS 3 JavaScript PHP MySQL, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप इसे अपना क्लोज करेंगे यू को, सेव करते हैं इसको हम लोग अपना डेस्कटॉप पे। और हमारे फोल्डर का नाम था HTML ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले हम लोग वाली क्लासेस पढ़ चुके हैं, तो ये मेरी लिस्ट में है। अगर आप लोग कोई फाइल मेल करवानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, तो ये फाइल मैं आपको मेल भी कर दूँगा। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं अपने यहाँ से। ये देखिए, तो बिगनिंग में जो आपको दिखाई देगा डिस्क के रूप में। अब आप इसके अंदर में लिस्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, मीन्स आप इसको सर्कल में या स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहीं पर हल्का सा स्पेस देने के लिए आप लिखें आपको टाइप बराबर सर्कल, बट याद रहे कि जो भी आप लिखें वो स्मॉल लेटर में ही लिखें, कैप्स का यूज़ ना करें। ये देखिए, और अगर आपको चाहिए इसको स्क्वायर में तो आप इसको यहाँ से हटा के स्क्वायर यूज़ करेंगे अपना इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, है बढ़िया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसमें, अगर हमारा ये तो हमारा होगा जिसमें आप सिर्फ बुलेट्स वगैरह या सिंबल यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे कुछ नंबरिंग देना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कॉपी पेस्ट, और आप यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना ओएल। ओएल होता है मतलब ऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर का मतलब ये होता है कि बुलेट्स होते हैं ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो न्यूमेरिक में चलती है, 1, 2, 3, 4 के क्रम में, आपके रोमन के क्रम में, आपका अल्फाबेट के क्रम में। ये देखिए 1, 2, 3, 4, इसकी बिगनिंग न्यूमेरिक से स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट। तो आप अगर इसे अल्फाबेट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ए। अब यहाँ पर आप स्मॉल या कैप्स दोनों लिख सकते हैं ए को, तो आपको उसी तरह से आप ये डिस्प्ले करेगा। सॉरी, ये मेरा दूसरा है, टाइप बराबर है आपका। ये देखिए, अब मैंने बोला कि मुझे रोमन करना था, तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना आई कैप्स स्मॉल आपकी मर्जी है। ये देखिए, और आप चाहते हो कि इसे मैं कहीं से स्टार्ट करूँ तो आप इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसे 10 नंबर से स्टार्ट करना था, तो ये आपको 10 नंबर से इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान के चले कि मुझे कुछ इमेज लगानी थी अपने इसके अंदर में, तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। आप एक काम करिए, MS Paint में जाइए, आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। और मैंने यहाँ देखो ऑलरेडी छोटा किया हुआ है थोड़ा करके, और मान चलिए मुझे ये वाला इसमें लगाना था,
इसको काम करें थोड़ा सा, इसका जरा लाइन कम कर देते हैं यहाँ से, बड़ी देखिए आपको इस तरह से, और इसमें कलर फिल करिए आप। इसको हम लोग सेव कर देते हैं अभी फिलहाल में नॉर्मली। ऑनलाइन क्लासेस इस फाइल को नाम दे दो अपना BLT.png। PNG कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पेस्ट। तो यहाँ पे अपना डालना है आपको छोटा सा इनलाइन स्टाइल लगानी होगी आपको, यहाँ पे टाइप टाइप लगा दो आपका BLT.png इस तरह से, सॉरी स्टाइल बराबर। तो इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से आपका शो नहीं करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से शो करेगा आपका ये। तो यहाँ पर आपको लिखने का क्या तरीका होगा कि स्टाइल बराबर, और यहाँ पे आप लिखेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज URL। यहाँ पे आपको इसे क्लोज करना है, यहाँ सेमी कॉलन देना है, और स्टार्टिंग में आपको इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है। ये देखिए आप, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसके बारे में अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या कुछ और भी आपको HTML से रिलेटेड या CSS से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए मैं आपको फिर से अपना नंबर और व्हाट्सअप देता हूँ अपना, कि आप मेरे को मेल कर सकते हैं jcpcwebdeveloper@gmail.com, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9717547519। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे अपना मार्केटेक हम लोग HTML में कैसे यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और हाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।